अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने 0 to 9 डिजिट्स को प्रॉपर फॉर्मेशन में राइट करना सीखा। आई होप आपने डिजिट्स की प्रैक्टिस की होगी। आज हम 10 to 29 तक काउंटिंग राइट करेंगे। एंड कीप इन योर माइंड, यहाँ जब आप प्लेस वैल्यू राइट करेंगे तो उसमें हम यूनिट और टेंस लिखेंगे, बिकॉज आज हमारी 2 डिजिट फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। सब बच्चों के पास रफ नोटबुक, रेजर, पेंसिल और शॉर्पनर होने चाहिए और मेरे साथ साथ राइट करने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यूनिट एंड टेंस राइट कर लेते हैं। यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट एंड टी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टेंस। नाउ नेक्स्ट इज 10, 1 10 के नीचे आएगा एंड 0 यूनिट की जगह पर। नेक्स्ट वन इज 11, 1 and 1 11। नेक्स्ट वन इज 12 1 and 2। नेक्स्ट वन इज 13, 1 डॉट लगाइए यहाँ तक, देन दिस वन 13। नेक्स्ट वन इज 14, 1 स्लैंट लाइन, देन स्ट्रेट 14। नेक्स्ट वन इज 15, 1 and 5 slant line and semicircle and straight. Next one is 16, 1 and 6. 17, 1 straight then slant. 18, 1 8 सर्कल एक बनाएंगे और एक और सर्कल। नेक्स्ट वन इज 19, 1 9 राइट करने के लिए सर्कल एंड देन स्ट्रेट लाइन। 19 राइट होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, इसी के नीचे आपने स्टार्ट नहीं करना। यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ दीजिए, अगेन राइट करें यूनिट और टेंस। ट्वेंटी एंड 0, 21 22 23 राइट करने के लिए ऐसे ही डॉट लगाइए बॉक्स में, थ्री 24 स्लैंट लाइन then straight 24 25 slant line 25 26 27 straight line then slant 28 circle banaiye then
मेक वन मोर सर्कल, 29, जहाँ पे आपको लगता है कि रेज़र की ज़रूरत है तो आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको रेज़ कर लेते हैं, अगेन राइट करने की कोशिश करते हैं, सेमी सर्कल देन स्ट्रेट लाइन, दिस इज 29। आपने भी 10 to 29 इसकी प्रैक्टिस करनी है रफ़ नोटबुक्स पे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।